हरदोई में प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान होकर एक बीजेपी कार्यकर्ता माधोगंज में बनी टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा काटा। युवक के टंकी पर चढ़ने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को घंटों मनाने का प्रयास किया, लेकिन युवक नीचे उतरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब घंटों बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा तो विधायक आशीष सिंह पटेल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ता नीचे उतरा तब पुलिस और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। युवक टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की बात कह रहा था। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। दरअसल मामला माधवगंज का है, जहां वेलग्राम थाना क्षेत्र के रहुला गांव में देशराज पुत्र मोतीलाल ने सूचना के अधिकार के तहत ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। 6 महीने से लगातार सूचना के अधिकार के तहत सूचना न मिलने से गुस्साए पीड़ित ने 31 दिसंबर 2018 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर 15 दिन में सूचना के अधिकार के तहत सूचना न मिली तो वो 13 जनवरी को आत्महत्या कर लेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार रविवार को नगर पंचायत माधोगंज में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन को अंतिम बार चेतावनी देते हुए कहा कि अब भी शासन प्रशासन मुझे 2 घंटे के अंदर सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवा दे, अन्यथा मेरी मौत के जिम्मेदार जिले के समस्त अधिकारी होंगे और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का ब्यौरा न मिलने पर खफा देशराज पानी की टंकी पर चढ़ गया। देशराज जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, और उनको कुछ उन्होंने जो जांच मांगी थी वो शायद नहीं मिल पाई। किन कारणों से नहीं उनको उपलब्ध हो पाई उसकी जांच कराऊंगा। चूंकि 1 महीने से मैं भी पितृशोक में था, इसलिए मुझे पूरी जानकारी इधर की नहीं हो पाई कि इतनी परिस्थितियां कैसे बिगड़ी। हम योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचार का अगर कोई मुद्दा देशराज जी ने उठाया था तो उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मैंने इनको आश्वासन दिया है होगा भी। मैं किस अधिकारी ने इसमें गड़बड़ी की है उसकी जांच करा के और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। जो भी भ्रष्टाचार की जांच है 27 बिंदु हैं, उनकी जांच फिर से कराएंगे। डीएम साहब ने भरोसा दिलाया है और निश्चित तौर पर इनकी सारी जो बातें हैं उनकी दोबारा जाँच अधिकारी नियुक्त करके जाँच होगी।